कोर्ट के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी कि मैं बजट सेशन के अंदर व्यस्त हूं और मुझे 16 तारीख तक का समय दिया जाए, और माननीय न्यायालय ने मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया। यानी कि कोर्ट ने भी पाया कि अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे यहाँ बजट सत्र चल रहा है, बजट पास करना जरूरी है, 2 करोड़ लोगों का मामला है, कोई आदमी अपनी विषय में बात नहीं कर रहा है, 2 करोड़ लोगों के राज्य का मामला है, बजट पास करना है, तो न्यायालय ने उनको 16 तारीख दी। अब ईडी इतनी जल्दबाजी में आ गई कि अब ईडी क्यों है वो हर दूसरे दिन समन दे रही है। भाई अगर आपको अपनी ही चलानी थी तो फिर आप न्यायालय कहे क्यों? आपको न्यायालय पे ही भरोसा नहीं है? पहले तो ईडी खुद न्यायालय गई, हम नहीं गए, ईडी गई। हमने न्यायालय में अपनी बात रखी, न्यायालय ने हमें 16 मार्च तक का समय दे दिया। अब ईडी जो है जल्दबाजी दिखा रही है, इसका मतलब ये बात कानून से नहीं चल रही, ईडी कानून संगत नहीं चल रही, ईडी के पीछे कानून या पीएमएलए नहीं है, ईडी के पीछे राजनीतिक मंशा है। और इस राजनीतिक मंशा के कारण अरविंद केजरीवाल जी को तलब किया जा रहा है, उनको डराए धमकाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब के और मेयर के मामले को अरविंद केजरीवाल अब ज्यादा ना उठाएं। अब ईडी फिर से अपनी खबर जो है अरविंद केजरीवाल जी के विषय में बनाए।